खबर दंतेवाड़ा से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और महामंत्री केदार कश्यप दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उनके काफिले के साथ मोटरसाइकिल रैली में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी दिखे। वहीं दंतेवाड़ा पहुंचकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सड़कों में इतने गड्ढे हैं जैसे नरवा गरवा योजना सड़कों पर उतर आई है। पर आज पौने चार सालों के बाद जन घोषणा पत्र का एक भी वादा इस सरकार ने पूरे नहीं किए और हर वर्ग को ठगने का काम, हर वर्ग को छलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो दूरस्थ इलाके हैं, मुझे ऐसा लगता है वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं, वहां प्रशासन का कोई अमला नहीं बैठा है और सरकार क्या सिर्फ शहरों तक है, जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय तक सरकार है, क्या दूरस्थ गांव में लोग नहीं रहते? मैं आपको ये कह रहा हूं, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में, भूपेश सरकार में मंत्रियों के बीच में सामंजस्य नहीं।